अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखिए मेरी बेटी ने कितने मजे का आलू चिकन बनाया है। अब इसमें ये हरी मिर्च और हरा धनिया डाल रही है, इसको डेकोरेट कर रही है। ये देखें कितना हसीन लग रहा है, जितना हसीन ये देखने में है उससे ज़्यादा मज़ेदार ये खाने में भी है। बस ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अब बनाने का बहुत मज़ेदार डिलीशियस। ये देखिए जी, ये आ गया है हमारा चिकन। अब हम ये आपको चीज़ें बताएंगे। चिकन है, इसमें आलू है, टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्चें हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ें लेंगे, फिर ये लहसुन अदरक है, गरम मसाला है, हल्दी है, नमक है, और साथ ही ये ऑयल रखा हुआ है। वो अभी बता रही है ना, उसमें बताओ, नहीं आपने बताया, मैं बता चुकी हूँ, जल्दी जल्दी। ये हमने प्याज कट कर लिया है, और ये टमाटर हैं, ये आलू हैं, ये जो कि हम सब कट कर चुके हैं, ये आपके सामने है। ये हरी मिर्च भी है, और ये ऑयल, एक कप ऑयल है। ये देखिए, ये अब ये हम करते हैं स्टार्ट। ये ऑयल इसमें डल गया है, ये ऑयल डल गया है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, जो कि हमने एक अदद प्याज बारीक काट लिया, और अब ये इसको हम करेंगे फ्राई इस तरीके से। ये देखिए प्याज थोड़ा ज़्यादा तेज़ नहीं करना, थोड़ा हल्का रखना है, ताकि आप ये जो इसका मसाला बनेगा उसका कलर फिर अच्छा आता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा लाइट रखेंगे। हंस क्यों रही हो तुम, हंसा नहीं, मुझे रेसिपी बताने दो। ये देखिए जी नाजरीन, हाँ ना, ये देखिए हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे, घी इसमें से अच्छी तरह निचोड़ लेना है हमने, और ये हमने जूसर में इसको डाल दिया है, ये इस तरह। आप ये दूसरी तरह भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इस प्याज को इसी में ही रहने दें और इसमें सब मसाले टमाटर वगैरह डाल के इसको भून लें, तो उसमें ये होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो हम इसलिए ये इसको ग्राइंड करेंगे टमाटर और ये चीज़ें डाल के, कि ये बारीक पीस जाएगा। अब इसमें जो ऑयल था उसमें हमने डाल दिया चिकन, चिकन को हम करेंगे फ्राई। ये चिकन फ्राई हो रहा है, अब डलेगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें, इसकी खुशबू से चिकन की जो स्मेल होती है ना कच्चेपन की, वो ख़त्म हो जाती है, तो ये बहुत टेस्टी बनता है। आप देखें आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज होगा। अब ये हम इसमें डाल रहे हैं जूसर में टमाटर, ये एक हरी मिर्च, ये टमाटर इसमें ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी। अब ये हम इसको ग्राइंड करेंगे, ये ग्राइंड हो रहा है, ये देखिए। आपको बहुत मज़ा आ रहा है मुझे दिखा के। ये देखिए, ये हमारे चिकन का कलर अब चेंज हो गया है, ये काफ़ी हद तक फ्राई हो गया है।
अब हम इसमें अब डालेंगे मसाला। ये हमारा चिकन अब फ्राई हो गया है तकरीबन। अब ये इसमें हमने जो ग्राइंड किया था मसाला वो डाल दिया है। ये इस तरह, ये मैं आपको बताऊं कि ये मेरी बेटी ही बना रही है, मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ इसमें, बना तो वही रही है। उसने कहा मम्मी आप बनाएं बोलें, तो फिर मैंने कहा चलो बोल लेती हूँ। ये इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं इसमें जो मैंने आपको पहले बताए थे। ये देखें अब कलर कितना अच्छा आता जा रहा है इसका। अब ये पकेगा, इसका ये होता है कि इसके बहुत से तरीके होते हैं बनाने के, कोई किसी तरह बनाता है कोई किसी तरह, लेकिन हम ये इस तरह बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है, खाने में बड़ा मज़ेदार होता है। अब ये पकना शुरू हो गया, ये देखें अब थोड़ी देर के लिए इसको ढकेंगे ताकि ये अंदर तक से पक जाए। ये अब हमारा भुनने पे आ गया बिल्कुल, ये देखें कितना प्यारा कलर आया इसका। ऑयल अब उसने छोड़ दिया है, ऑयल इसके ऊपर आ गया। अभी हमने इसमें आलू ऐड कर दिए, अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें, थोड़ी देर इसको भूनेंगे। खाना बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग से और इस तरह लड़कियां करें सोच समझ के तो बहुत अच्छा बना सकती हैं, जिनको नहीं भी आता वो भी बना सकती हैं। ये देख के रेसिपी, ये देखें अब ये भूनने पे आ गया। अब हम इसको पानी ऐड करेंगे, पानी डालेंगे इसमें। ये देखें अब जितना भी अपने हिसाब से आपने इसका शोरबा बनाना है आप ये कर सकते हैं। कोई लोग ज़्यादा यानी गाढ़ा या उस तरह का खाते हैं ना, बाज़ लोग पतला खाते हैं शोरबा पतला करके, तो जैसा आपको पसंद हो आप उस तरह कर सकते हैं, हम लोग इस तरह करते हैं, हमने ये कर लिया। अब ये पक रहा है, जब इसमें आलू गल जाएंगे। तुम क्यों हंस रही हो हैं? बना तो तुम ही रही हो ना, बना तो तुम ही रही हो, मैं बोल रही हूँ कि चलो पहली दफा ही बोल रही हूँ मैं। ये देखें ये इसका शोरबा बन गया, आलू तकरीबन गल गए। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाला। इन चीज़ों से इसकी खुशबू जायका और ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बहुत मज़ेदार बन जाता है। ये देखिए अब ये इसमें सब कुछ डल गया है, अब ये बहुत लजीज और मज़ेदार आलू चिकन तैयार है। ये देखिए अब इसको थोड़ी देर हम दम लगाएंगे ताकि इसके ऊपर तरी यानी जो ऑयल होता है ना वो ऊपर आ जाता है और ख़ूबसूरती इसकी और बढ़ जाती है। फिर ये इस तरीके से पहली दफ़ा ही मैं बोली हूँ, अब पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं। अगर आपको मेरी आवाज़ और मेरा बोलना अच्छा लगा है तो फिर आप कमेंट कीजिएगा अपने, तो इंशाल्लाह फिर मैं आगे भी बोलूँगी अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर बताइएगा। ये हमारा आलू चिकन तैयार हो गया और ये बहुत मज़ेदार होता है, हमारे यहाँ ये सबको पसंद है। आलू तो हमारे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। इसकी जो मेरी बेटी की जो बेटी है ना छोटी सी, उसको तो बहुत ही पसंद है ये आलू,
इसलिए इसमें थोड़े ज़्यादा भी डालते हैं और वो भी खा लेती है शौक से। जन्नत हरी मिर्चों से इसमें ज़रा खूबसूरती आ जाती है। ये देखिए जी, ये हमारी डिश तैयार हो गई है। इस पे थोड़ा सा हमने हरा धनिया डाल दिया खूबसूरती के लिए। अब ये हमारा आलू चिकन बिल्कुल रेडी है, तैयार है। आप भी बनाइएगा, खा के देखिएगा, फिर बहुत मज़ेदार होगा इंशाल्लाह। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो फिर ये कि आप कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा है आपको। और ये तो वैसे ही मजाक में मैं बोल रही थी, तो इन लोगों को पसंद आ गया तो अब ये लगा रहे हैं। अगर आपको भी पसंद आया तो आप कमेंट्स कीजिएगा, फिर मैं इंशाल्लाह ज़रूर बोलूँगी। चलें जी, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।